सर्वाई में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को ईडी की टीम जो है वो रांची लेकर पहुंची है। रांची पहुंचने पर ईडी की टीम अधिवक्ता राजीव कुमार को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल ले गई है। इसके बाद से उनसे पूछताछ की जाएगी। व्यवसायी अमित अग्रवाल से 50 लाख रुपए वसूलने के मामले में गिरफ्तार झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार से ईडी रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। राजीव कुमार से 20 अगस्त को ही पूछताछ होनी थी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, तो अब उसे जो है वो पूछताछ होगी। गौरतलब है कि 31 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की कोलकाता से गिरफ्तारी हुई थी। आरोप उनके ऊपर ये था कि उनके खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में राहत पहुंचाने के नाम पर अधिवक्ता ने पहले 10 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन बाद में 1 करोड़ रुपए देने की बात तय हुई। तो पहली किस्त में 50 लाख रुपए लेने के लिए राजीव कुमार कोलकाता आए थे, जहां से उनकी गिरफ्तारी की गई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।